सो हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल ऑल रश इंडिया। मेरा नाम है अंकित। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप लोगों को मेटा ब्लॉक्स के टाइप से एक एयर ड्रॉप आ रहा है, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, जो लिंक है लिंक पे क्लिक कर सकते हो या फिर आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी कर सकते हो। मैं जस्ट आप लोगों को इन्फॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है, और कुछ नहीं। जो सच है वही बताऊँगा, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए कैसे क्या करना है। तो पहले जब वेबसाइट में आ जाओगे, क्रोम ब्राउज़र में ओपन करना। ओपन करने के बाद यहाँ से डेस्कटॉप मोड ऑन कर लेना। उसके बाद आपको यूज़र नेम देना पड़ेगा, आपको अपना पासवर्ड देना पड़ेगा। उसके बाद जैसे जैसे फिल करते हो डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद यहाँ पे देखो एक रेफरेंस कोड है, तो ये शायद रेफरल कोड होगा। तो यहाँ पे कोड होगा तो आप लोग बैठा सकते हो, वरना आपकी मर्ज़ी है, ना बैठाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे एनी XDC एड्रेस का एड्रेस नेटवर्क का XDC नेटवर्क का एड्रेस देना पड़ेगा। तो कहाँ से XDC नेटवर्क का एड्रेस देना पड़ेगा, मैं लिंक दे दूँगा। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ। तो उसके बाद आपको आ जाना है QV ब्राउज़र में। QV ब्राउज़र में आने के बाद यहाँ पे XDC पे का एक वॉलेट रहेगा, उसको आप लोग इंस्टॉल कर लेना अपना एक्सटेंशन पे QV ब्राउज़र पे। मैं सब कुछ लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। अभी तक अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हो तो जल्दी से जाइए ज्वाइन कर लीजिए। और कुछ भी सवाल जवाब करना हो तो सपोर्ट ग्रुप में जाके खाली एक बार मैसेज कीजिएगा। सुबह 12 से लेके रात को 12 बजे तक मैं ऑनलाइन हूँ 12 घंटा। आप लोग कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, अगर मेरे को उसका आंसर मालूम होगा मैं ज़रूर आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। रिप्ले आप लोगों को तुरंत मिलेगा। तो चलिए, जैसे अभी यहाँ पे देखो मेरा रिमूव का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि मैंने इसे डाउनलोड करके रखा है। तो अभी क्या करना होगा मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो इसको ओपन कर लो, आप लोगों को पता ही है कैसे ओपन करना होता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पासवर्ड फिल करना होगा, मैं पासवर्ड फिल कर देता हूँ। पासवर्ड फिल करने के बाद यहाँ पे क्रिएट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देना पड़ेगा। चलिए, तो देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिख के आ गया। तो कुछ ऐसा पासवर्ड देना पड़ेगा जो कि स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। उसके बाद क्रिएट पे क्लिक कर सकते हो और इंपोर्ट पे क्लिक कर सकते हो। अगर देख लीजिए, मैं आपको क्रिएट वॉलेट का न्यू वॉलेट जो लोग क्रिएट करोगे तो उसका सेम टू सेम ऐसा आएगा। तो मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो इसको पासवर्ड डालने के बाद क्रिएट जब करोगे तो शायद आप लोगों को प्राइवेट की या फिर जो सीड वर्ड देता है उसको कॉपी करके वेरीफाई करना पड़ता है, ठीक है। तो मेरे पास पहले से वॉलेट है तो मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट एक्सटेंशन पे क्लिक करूँगा। तो इंपोर्ट पे क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे सीक्रेट का कीवर्ड्स मांग रहा है, पासवर्ड मांग रहा है। उसके बाद रिस्टोर करूँगा, तो मेरे पास पहले से वॉलेट है तो मैं रिस्टोर कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरा रिस्टोर नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे पास प्राइवेट की है। तो इसका एक गूगल प्ले स्टोर में एप्लीकेशन भी है, फिर भी मैं एप्लीकेशन से भर जाता है आप लोगों का फ़ोन, तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ एक्सटेंशन से दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को ऐसा 12 कीवर्ड्स मिल जाएगा। तो आप सेव एस CSV फाइल पे भी कर सकते हो या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको रख सकते हो। तो उसके बाद आई हैव कॉपीड, कॉपी पे क्लिक करना है, जो नीचे वाला ये वाला ऑप्शन है इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। तो उसके बाद आप लोगों के सामने ऐसा बोलेगा, 3 नंबर वर्ड क्या है, 6 नंबर वर्ड क्या है, 12 नंबर वर्ड क्या है, तो आप लोगों को यहाँ पे लिख देना है। तो चलिए मैं लिख देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो उसके बाद कॉन्फर्म रिकवरी प्रेस, तो कॉन्फर्म पे क्लिक कर दिया। तो आप लोग देख सकते हो ऐसा आपको सेम टू सेम मेटावर्स की तरह आ जाएगा। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, कॉपी कर लूँगा। तो कॉपी पर क्लिक किया, कॉपी पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को फिर से आ जाना होगा ये वाला वेबसाइट में, ठीक है। वेबसाइट में आने के बाद आप लोगों तो पहले से ही सब कुछ फिल करके रख दिए हो, उसके बाद खाली यहाँ पे आप लोगों को पेस्ट कर देना है आपका एड्रेस, ठीक है। उसके बाद सेव पे क्लिक करोगे, सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, आप लोगों को यहाँ पे इन्वाइट कोड मिल जाएगा और यहाँ पे देख सकते हो 5 XDC टोकन आप लोगों को पर इन्वाइट मिल सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं एक चीज़ बताऊंगा, अगर कोई भी अगर इनवाइट नहीं कर पाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप लोग अनलिमिटेड ट्रिक अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, और नहीं करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग क्या कर सकते हो मैं अभी दिखा दूंगा। यहाँ से जैसे मैंने रेफरल कोड मैंने कॉपी किया,
ठीक है, कॉपी हो गया। कॉपी करने के बाद आप लोग इस पर क्लिक करोगे, उसके बाद न्यू क्रोम ब्राउज़र में न्यू इग्निटो मोड भी क्लिक कर सकते हो, या फिर और एक ऑप्शन है मैं बता देता हूँ। जैसे देखिए ये प्ले स्टोर का एप्लीकेशन है, आप लोग वर्चुअल एंड्रॉयड सर्च करोगे तो आप लोगों के प्ले स्टोर में ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। मैं ये इंस्टॉल करके रखा हूँ आपके इस एप्लीकेशन से। आप लोगों को किसी को अगर बहुत किसी को पता है बहुत किसी को पता नहीं है तो क्या कर सकते हो, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, 600 MB का आप लोगों को डाउनलोड लगेगा, मतलब इसको इंस्टॉल करने के बाद ओपन करोगे तो इसके अंदर एक दूसरा फ़ोन क्रिएट हो जाता है, दूसरा स्पेस। जैसे मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को एक सेकेंड, तो देख सकते हो ये वाला एप्लीकेशन है यहाँ पे। तो मैं इसे ओपन करता हूँ तो देख सकते हो जस्ट मेरा तो ये पहले से कंप्लीट है। तो आप लोगों को दो ऑप्शन आएगा डाउनलोड करने के लिए, तो एक ऑप्शन जब डाउनलोड हो जाएगा फिर से इसको रिस्टार्ट करके और एक बार डाउनलोड कर लेना, ठीक है। दोनों डाउनलोड हो जाए तो देखिए ये मेरा एक यहाँ पे देखिए एरो है यहाँ पे फ़ोन के जैसे, और जो रियल एरो है मैं फ़ोन के साथ उठा रहा हूँ, देखो ये रियल एरो है, और ये वाला एक नया ही फ़ोन क्रिएट हो गया, तो ये वाला एप्लीकेशन अंदर पड़ा हुआ है। तो इसमें से आप लोग कोई भी ईमेल डाल के साइनअप कर लेना, साइनअप करने के बाद यहाँ पे सर्च मार लेना, ठीक है, क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र जैसे मैंने ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद क्या होगा, एक सेकंड इसको कट कर लेते, न्यू टैब ओपन करते, और जो वाला मैंने रेफरल कोड कॉपी किया था यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा, पेस्ट करके सर्च करके वही वाला सेम XDC जो एड्रेस है वो डाल दूंगा, या फिर कोई भी फेक एड्रेस में डाल दूंगा, डाल के मेरा रेफर काउंट हो जाएगा। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो, अगर जो लोग रेफर या फिर इनवाइट नहीं कर सकता है उसके लिए मैं बता दिया, ठीक है, ये सलूशन। अगर फिर भी कुछ भी समझ में ना आए वीडियो में तो आप लोग मेरे से डायरेक्ट आके पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इतना ही था वीडियो में, अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो आपकी मर्ज़ी, सब्सक्राइब करो और लाइक कर देना, ठीक है, इससे मोटिवेशन मिलता है। और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना।